चप्पल और इसका थोड़ा सिमिलर सा नहीं दिख रहा? गले में कुछ होना चाहिए क्या? फाइट? मैं किसी और को नहीं देखता, यही मेरी फॉरनर है, यही मेरी रशियन है, यही मेरी घरवाली, यही मेरी सब कुछ है गाइस। मुझे नहीं देखना कोई फॉरनर को। चीज को देखते देखते दो दिन में अंदर इरिटेट हो जाता, तीसरा दिन है तो हम जा रहे दूसरी जगह। तो क्या आप मुझे देखिए, मैं इरिटेट हो जाती हूं। तो दिल में है, दिल देखा नहीं जाता, दिल में बस फीलिंग आती है। हीरोइन बन रही है, ड्रेस उड़ा रही है। एरम्बोल बीच पे जाके रशियंस को ताड़े। ये सब कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं दूसरे शूट के लिए अपने बीच पे। मतलब हमने इंडोर विला का तो ऑलरेडी कर लिया और आज सुबह से हमने बहुत सारा शूट किया, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा गोप्रो गाड़ी में ही रह गया था, तो हमने शूट ही नहीं किया क्योंकि अब हम फोन से शूट नहीं करते हैं। हम तो थोड़े बड़े लोग हो गए हैं, हम गोप्रो से शूट करते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं शूट करने के लिए और आप देख रहे हैं कैसा ड्रेसअप है आज हमारा कुछ अलग से ड्रेसअप है। बड़ी मुश्किल से जा रही है क्योंकि वहाँ पर जाकर हमारे को टाइम से पहुँचना है और टाइम से शूट करना है। अगर नहीं किया तो फिर वो सनसेट वाला अच्छे से शूट नहीं हो पाएगा। और जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनसे बात करनी थोड़ी। गाइस ये ऋतिक है हमारा कैमरामैन, इसने हमारा प्री वेडिंग शूट करना है पूरा का पूरा, वैसे तो हमारा एक दोस्त है। और ये इंस्टाग्राम पे इसका पेज है द वन हु कैप्चर्स, बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हमारा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा क्या हो गया ऐसे, तो फिर अच्छा ही काम करता होगा। तो ऋतिक धन्यवाद यार, साथ देखे तूने काम उड़ना था ये पकड़ो, इधर लेफ्ट लेना। अब बताओ क्या मेरे को फोन में से जिसके हाथ में जीपीएस होगा वही तो बताएगा। तो आप मेरे से फोन ले लो। कमाल है यार स्वाति यार, लेफ्ट मुड़ जा, दिक्कत तो नहीं है। कमाल कुमुल बोलने से कुछ नहीं होता। अरे कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऋतिक यस। हां भाई, हां भाई, क्या रहा है, क्या सा लग रहा हमारा शूट करके? तुम बताओ कैसा लग रहा है शूट करा के? अभी तो चल रहा है शूट, गाइस शूट चल रहा है, साथ साथ हम आउटपुट भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। तो नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया हमने कबीर। कबीर है प्रीति की डिमांड में, अगर किसी प्रीति को ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे कॉन्टेक्ट करें। हाय हाय, केडिया बेचे क्या? हम बीच पे तो आ गए, पर बीच पे है बहुत ज्यादा क्राउड। और इस मैडम को देखो क्या कपड़े पहन रही है, ये हीरोइन बन रही है, ड्रेस उड़ा रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, शूट करने में हमें हो रही है दिक्कत, ड्रोन शूट शायद कैंसिल करना पड़ेगा। देखो क्या होता है गाइस, फाइनली हमारा शूट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना भूल गए क्योंकि बहुत बहुत सारा मतलब एकदम ऐसा था ना, बहुत बहुत सी हो रही थी, बट शूट हो चुका है फाइनली, बहुत अच्छा शूट हुआ हमारा, पैकअप भी हो गया है। हार्दिक, ऋतिक थैंक यू, वेलकम। कैसा रहा शूट? बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। बस आउटपुट का वेट है। हाँ। और थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन अच्छा बनाएंगे। तभी इतना लंबा गैप लिया है हमने, बट इतना भी ठीक है, बढ़िया रहेगा। शूट बहुत अच्छा हुआ है, इतने एफर्ट, इतनी मेहनत, मेहनत भी होगी और उतनी लोगों को दिखेगी। हाँ एग्जैक्टली, तो प्री वेडिंग शूट का वेट करते रहना, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। हम बीच बीच में उसका कुछ क्लिप्स दिखाएंगे ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। अभी रजत को देखो आप, रजत, ए रजत, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर पैक अप? आई एम वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी? अपनी भी चप्पल आया तो चप्पल मेरी वाली है, ये तो हमें पता ही था, रजत बहुत हैप्पी होगा। केशव तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आया। मजा आया, शादी कर ले फिर तू भी। शादी करके नहीं, शूट करके मजा आया। अच्छा तो फिर तू लोगों को कैसे सिखाता है शूट करते टाइम, कैसे पास आना है, कैसे बात करनी है? फिर भी छोड़ गई जब इसी तरह पास आने का आइडिया है। हां, मर गया मां। तो गए
अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, अब आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि प्री वेडिंग शूट के साथ साथ ब्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और अभी भी आप ये देखो, ये मैं प्रॉपर ऐसे टॉर्च वॉर्च लेके आपसे बात कर रही हूँ। सो अब जाके दिखाते हैं। हाय गाइस, आज हमारा डे 3 है गोवा में और हमारा प्री वेडिंग शूट खत्म हो चुका है। हम लोग इस प्रॉपर्टी में रुके थे, ये है यहाँ पर इन्फिनिटी बे में, क्या नाम था मैं भूल गई, हाँ तारका सी स्केप में हम रुके थे। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, जैसे कि आपने देखा होगा हमने कितना इन्जॉय किया। बट सॉरी मैं सारे टेक्स लेना भूल गई थी। और यहाँ पर ये हमारे भैया हैं रूप सिंह, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, थैंक यू सो मच भैया, हमें इतने अच्छे से सारा हमारा ध्यान रखने के लिए। हाथ ही जोड़ो ठीक है, थैंक यू सो मच। और अंकल ने हमारे एक एक फ़ोन करने पे हमारी इतनी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, रजत अंकल को थैंक्स गिविंग दो। दे दी मैंने ऑलरेडी। वेरी गुड, थैंक यू। तो अंकल थैंक यू सो मच, हम दोबारा आएंगे। ठीक है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, हाँ अच्छा रिव्यू, आप बहुत अच्छे हो सच में, मैंने पहले दिन ही बोला था बहुत अच्छे हो। ठीक है, चले उसको क्या दिखाऊंगी वीडियो में, इट्स साफ। तो मेरे वाले का रूम देखियो, बहुत साफ रहता है, सही बात है, कह रहा इससे साफ। तूने लड़कों का रूम देखा, मैं कहा तू मेरे वाले का रूम देखियो, उससे भी साफ मिलेगा, कह रहा तू साफ है, मेरा तेरे रूम में तू है ना इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा साफ रखता हूं। अब तेरी, मेरे तो सर फट गए बात सुन के। वो मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी जिन आराम कर देगा अपने गद मचा दिया। मैं तो भैया जाता हूँ, आती चल अंदर। रूप सिंह अंकल को बाय बोलो, अंकल जी बाय, एक पप्पी करो अंकल जी, बोरे बाहर है रूप सिंह जी, अंकल को बाय बोलो। सो गाइस, अब यहाँ पे ना भारत में लाभ हो रहा है क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं हमें छोड़ के। कहाँ जा रहे हैं, हम मिलेंगे, कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको बता नहीं सकती। हम दिखा देंगे अपने भाई, मैं चलो चलो चलो, ये तो जाएगा ही साथ में। आप क्या, आपके हाथ पकड़ रहा, आपको भी जाना है। मैं कह रहा जॉर्डन भाई का शरीर यहाँ है, मन इनके साथ जा रहा है। अरे नहीं, मन यहाँ है, शरीर इनके साथ जा रहा है भाई। तो ये लोग जा रहे हैं, थैंक यू केशव, थैंक यू गाइस। चुप सब चुप गाइस, इन दोनों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इन दोनों ने बहुत अच्छा शूट किया है। अगर आपको मैं बार बार ओए चुप, अगर आपको अपना कोई शूट कराना तो आप इनसे करा सकते हैं, और 100% ट्रस्ट करके। और मैं इनका नंबर भी डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम लिंक भी डाल रही हूँ, और पैसे अगर ज्यादा लें तो मुंह तोड़ूंगी। नहीं, तुम्हारा वो लग जाएगा ना प्रोमो, हाँ प्रोमो कोड स्वाति 50% ओहो। ड्राइवर गाड़ी खोलो, फूफे गाड़ी खोल, फूफा आप ड्राइवर आप, चल रहा है गाइस। एसी थोड़ा सा मैंने कम किया है क्योंकि इसके अंदर आवाज कम आती है। अभी हम जा रहे हैं, मैंने बता दिया था ना कहाँ जा रहे हैं, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। हमने इस होटल से होके थे, विला से होके थे बोर, अब हम जा रहे हैं दूसरे विला। ऐसा बोर नहीं हुए थे, बहुत अच्छा विला था वैसे तो, मतलब ये हो गया था कि यहाँ एक ही चीज को देखते देखते दो दिन में बंदा इरिटेट हो जाता है, तीसरा दिन है तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो क्या आप मुझे देखिए, मैं इरिटेट हो जाता हूं, तो दिल में है, दिल देखा नहीं जाता, दिल में बस फीलिंग आती है, दिल में बीमारियां भी आ जाती है। तो आज है जॉर्डन का बर्थडे ईव, और आज हम शाम को जाएंगे कहीं पार्टी करने, और अगर कोई लड़की गोया में है तो प्लीज जॉर्डन से कांटेक्ट करें। अब जब तक व्लॉग डलेगा हम बुआ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं तो मजाक कर रही हूं, तभी तो स्टोरी डाल दूं, स्मार्ट है, स्मार्ट अपना वाला। तो भाई रोजर भाई को तो आ गया था मैसेज लड़की का, ओ भाई लेकिन उसका फायदा क्या है, तो दिल्ली पर जब गोप्रो के टेक्स फोन में लूंगी ना, एडिट करूंगी, तब समझ आएगा कि कितना मजा आ, कैसे शूट हुआ। अभी देखो ये ट्रक वाला जा रहा है और स्वाति मंगा व्लॉगी कर रही है, मेरे जेठ जी पीछे बैठे।
दुनिया दी थी पूरी होती थी। ऑस्वाल्ड देखा गाइस तुमने? किसकी ने देखा बताना? तब बताना है मैं। हाँ, जैसे तू है। और उसकी नाक भी रोजर की नाक जैसी है। मेरे जैसी तुझे भी कह ले उसकी नाक भी ऐसी रोजर की नाक भी ऐसी है। देख ले देख ले देख ले, उस कुत्ते को सुनाई भी कम देता था। भोगता भोगता जैसे बोला जाएगा ना। पर जब कुत्ता बात करता था ना किसी से तो देखता सामने था, बात किसी और से करता था। देख ले रोजर तेरा तुम्हारे तो देख ले नाक छेड़ रहा अपनी। गलत बात रोजर। मैं हम मोटे हो गया मौसल है पट्टा बना रोज जोड़ा मेरा ओसल पीछे बैठा ओसल ऐसा पट्टा बना बोलू। अब ये ओसल है तो कुत्ता खुद मान चुका। अब ये खुद मान चुका मुझे कोई दोस्तों की जरूरत नहीं है। ट्रेंड कर दिया तूने से। गाइस ये हमारा नया विला है। गाइस एक चीज नोटिस करो, चप्पल दिखा। चप्पल थोड़ा सिमिलर सा नहीं दिख रहा। चप्पल काली दे रहे धनिया। अरे रूम मैच अप हो गया है, मेरे कपड़े उतरे हैं। काफ़ी साफ सुथरा रूम है गाइस इसकी वजह से ना, मुझे इसका वॉशरूम अच्छा लगा। एरिया बढ़िया है, ऊपर भी गए इसमें तीन रूम ऊपर है और एक नीचे, तो 4 BHK है। ये अपना पार्टी के लिए एरिया। आज जॉर्डन का बर्थडे है। फिलहाल जॉर्डन भाई अपने बर्थडे की पे चाहते हैं कि पहले वो एरम्बोल बीच पे जाके रशियंस को ताड़ें और जगह भी ताड़ के आएंगे। अरे जॉर्डन में वो तो ठीक है। ये तो बता दे ताड़ने के साथ साथ फाड़ता भी चाहते हैं। अब हम आ चुके हैं एरम्बोल। जॉर्डन भाई परेशान हो गया है, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स दिख रही हैं इनकी अंग्रेजी ने। जॉर्डन भाई तुम्हारा गला खाली लग रहा है, दिखाओ जरा, गले में कुछ होना चाहिए। क्या बाइट? कौन सी बाइट? जॉर्डन भाई लव बाइट लेना चाहोगे? जॉर्डन भाई यहाँ आगे से राइट में नकली दांत भी मिलते हैं। क्यों जोड़ भाई के पीले हैं इसलिए? चूस 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 के खराब हो गए। नहीं बातें कर रहा है जोड़ भाई, पीले कैसे हो गए? क्या चूसा तुमने? जोड़ भाई के मुंह से गलती से निकला है। अब तो तू बहन मेरी करता, अब क्यों नहीं जाना चाहता वापस? इतना जबरदस्ती ले आया पे मुझे। चलते हैं ना, छोड़ यार, छोड़ बीच, छोड़। क्या छोड़? चल वापस। मेरे पैर में दर्द हो रही है, मैं यहीं खड़ी रहूं। अरे उठा ले भाई तू, चल तेरे को सत्तू पिलाएंगे। भागेगी सब भागेंगे। जोड़ भाई ये कौन है? गाय माता। सिर्फ गाय माता? और कौन है सामने? कौन है? भाभी। जोड़ भाई भाभी है। क्या बोल रहा है? दिलावा। ये क्या है? मेरा एटैक है। कुछ भी हो तो मत करो। तो गाइस अब हम आ गए एरम्बोल बीच, और ये दोनों तो रोजर तो बदतमीज है, गालियां देता रहता है, सो इसे इग्नोर करो। चीप है, बहुत शरीफ है ना, शराफा है। उसने बड़ा बकरियों का दूध पिया है, शरीफ है यहाँ। चला जाए यहाँ से। बकरी बोला है तुम तो कतील हो भाई। लुच्चो को देखो वहाँ पीछे जो लड़कियाँ खड़ी उनको छेड़ने के लिए जा रहे। स्वाति वह सच बताओ, लड़कों के साथ में आके जैसे लड़के लड़कियों को ही देख रहे होते हैं, मतलब खास कर फॉरनर्स को, तो आपको कैसा फीलिंग आती है? डिस्गस्टिंग नहीं होता आपको फील? डिस्गस्टिंग नहीं, ऐसा लगता कैसे खच्चरों के साथ आ गई हूँ। वाह देख लो क्या बदतमीज है। अपनी बंदी को इनकी कोई देखे ना तो इनकी फट जाती है, दूसरों की बंदी इन्हें ऐसे ताड़नी है। यार सोना तो सुनार की दुकान में अच्छा लगता है ना, अपने घर का सोना तो सब छुपा के रखना चाहते हैं। बोलो बट मैं किसी और को नहीं देखता, यही मेरी फॉरनर है, यही मेरी रशियन है, यही मेरी घरवाली, यही मेरी सब कुछ है गाइस। मुझे नहीं देखना कोई फॉरनर को। अभी बंद करती सबसे पहले दिखा सोती होते हो। कैसा फीलिंग हो रहा है? आप फर्स्ट टाइम गोवा आए हो, आपको ऐसे फॉरनर दिख रही है बिकनियों में, कैसा लग रहा है आपको? बिकनियों में ऐसे पहले नहीं देखी क्या? हम तो खुद अंग्रेज हैं भाई। कहां देखी? तुझे कोई ऐसे गंदे लड़के देखते हैं? थोड़ी लड़का तो ढंग का देख। मैं लड़का नहीं देख रही हूं, गंदा लग रहा है। जी यार जैसे देखो प्रेग्नेंट हो गया। नहीं ये तो लड़की देख के प्रेग्नेंट हो गया। ये शक्तिमान सर्फिंग करो तुम।
ये देखो गाइस ये फुटप्रिंट वाली वीडियो बना रही है यहाँ पे हैं, कोई चीज़ दिख जाए बस सोशल मीडिया मुझे भी चाहिए ऐसा होती कभी सोशल मीडिया मेरे जैसा बंदा दिखा था मेरे को कोई मेरे जैसा बंदा दिखा था सोशल मीडिया पे देख के रीच नहीं करनी पड़ती जैसे कि मैं पप्पी करने आने वाली थी मुझे पता था देख लो गाइस रोजर रोजर कहाँ जा रहा है रोजर इधर आओ रोजर कम हियर रोजर रोजर डेढ़ जी रोजर बिल्कुल तेरे जैसा है बिल्कुल ये हमारे जैसा खानदान बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है रोजर ये पूरा खानदान ही है रोजर तेरे इधर टेढ़े मेढ़ा भाग रहा है और देख भी टेढ़ा रहा है बात से और करते थे भाई साहब गए तो हम खा रहे आइसक्रीम क्या भाई मुंह तो बहुत बड़ा खोलते हो आइसक्रीम के लिए क्या देखा जा रहा है अच्छा ओके जाना कोई कौन निकली चल परी बाहर ये तेरे साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं जॉर्डन ही तेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं हिम्मत कर तू शॉर्ट्स पहना कर छोड़ रहे के लिए वेट कर दिया बन के रोटी तो ये वो सड़ेगा यार वजह से आप बहुत पागल हो उसको कच्चा नहीं उतरवाना चाहिए था आपको मेरे को ही शर्म आ रही है देख के डूबने चले गए स्विमिंग भी नहीं आती ये क्या बात है जैसे कोई लड़की जा रही होती है बिकनी में आपकी चाल बदल जाती है तो क्या होगा हैं गलत बात है सुल्तान भाई जरा